मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दे दिया बिल्ड बैटल का और तीनों राउंड में आज हमें यूज करना है कुछ इलीगल हैक और उनको हराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो लोग भी इलीगल हैक्स को यूज करेंगे। अब देखते हैं वो जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। और इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइकिंग कम्प्लीट कर देना, 20,000 लाइक इसके पार्ट 2 के लिए। तुम लोग फिर से आगे बिल्ड बैटल के चैलेंज में। यार हमको बुलाया गया तो हम तो आएंगे ना भाई, इन्विटेशन से आया हूँ मैं। यार लेकिन भाई मैं फ्री में काम नहीं करने वाला यार, कुछ ना कुछ पैसे चाहिए इस बार भी। टेंशन मतलब पब्लिक गाली देगी ना कमेंट सेक्शन में, फ्री में नहीं होगा कुछ भी। तो इस बार हमें बिल्ड बनाना है और बिल्ड इसके अंदर है तो बटन दबाओ यार। तुम्हारे साइड कौन दबाएगा पहले? मैं दबाता हूँ। ले भाई पढ़, अब तू। मैं पढ़ता हूँ। इलीगल बेस तुम भी देख लो यार, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ रुक जा यार, पढ़ लेता हूँ भाई, तू ऐसे झूठा है। हाँ यार इस बार सच बोल दिया, पता नहीं कैसे। तू भी पढ़ ले भाई। मेरे को पढ़ना नहीं आता यार। मान लिया अब हमारी बात। और ये वाले बिल्ड के लिए हमें मिला सिर्फ 5 मिनट, तो अपनी अपनी जगह पर चल जाओ। ये देखो मेरा ऑरेंज कलर ये रहा, तो मैं जल्दी हार दो। लेकिन इतना झूठ बोल के क्या करेगा यार, 5 मिनट 20 सेकंड मिला है। 20 सेकंड तूने बकवास किया ना, वो खत्म हो गए यार। गरीबों को एक बात नहीं पता, पिछले बार जैसे मैं ड्राइंग पॉइंट यूज नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं गूगल का सपोर्ट लेने वाला हूँ। मैं सपोर्ट लेने वाला हूँ अमेजोन का, कुछ देर में तुम लोगों को मालूम चल जाएगा, टेंशन मत लो। और आज ऐसे ऐसे इलीगल बेस बनाऊंगा कि दुनिया डर जाएगी और तुम लोग भी, और ये दोनों तो पक्का डरने वाले हैं। तो मुझे बस एक कमांड डालना है और / अमेजोन, अब मुझे बस एंटर करना है और मुझे लगता है थोड़ी देर में आते होगा अमेजोन वाला। 2000 years later. वो देखो वो तो कोई आ रहा है। अरे भाई इधर इधर यार, फ्लेयर गन मारोगे इसके लिए अब। ये देखो भाई अमेजोन का बंदा आ चुका है पार्सल लेकर, और बस इसको उतरना है। और ये इसके हाथ में है भाई इलीगल चीजें, अमेजोन से इलीगल चीजें मंगवाया मैंने। भाई जा जल्दी, कोई देख लेगा तुझे, हटिया से। चलो उसको जाने देते। ये देखो भाई चले गया। अरे भाई उधर नहीं जाने, अरे कहाँ जा रहा है, मरवाएगा ये। चलो भाग गए तो अच्छी बात है। ये देखो मेरे हाथ में ब्रीफकेस है और इसका पासवर्ड क्या है, अमेजोन वाले ना, तो पासवर्ड एक ही होगा इनका, तो 6969 पासवर्ड होगा। तो पहले मैं एंटर करता हूँ। और ये देखो ये तीनों इलीगल आइटम है, और ये ग्लू है, और ये देखो क्रिएटिव मोटर है भाई, इलीगल चीज है एकदम, और ये मैकेनिकल बेयरिंग है। ये तीन चीज मिलाकर मैं ऐसा बेस बनाने वाला हूँ ना कि सबकी फट जाएगी। अब तो उसके लिए मुझे एक हथियार चाहिए, ये एक्स भाई सबसे खतरनाक चीज है ये। मुझे थोड़ा बहुत एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इतना एरिया काफी रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे खोदना है पूरा। यार बहुत बड़ा होल मैंने यहाँ पर कर दिया, लेकिन कुछ चीजों की कमी है, जैसे कि पहले तो मुझे होल को भरना पड़ेगा, लेकिन टॉप लेयर इसका से काम करते हैं। कमांड है बस मुझे यहाँ पर एंटर करना है, और ये देखो ये हो चुका पूरा कंप्लीट। अब मैं इसे खोदूंगा तो ये देखो नीचे का पूरा ओपन है। अब तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता बहुत लोगों को अभी तक समझा नहीं मैं करने क्या वाला हूँ। तो पहले हम लोग ऊपर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ पहले मैं करने क्या वाला हूँ। तो ये देखो ये है क्रिएटिव मोटर। अब जब मैं क्रिएटिव मोटर को इससे ज्वाइन करूंगा तो ये देखो ये चिपक चुका है पूरा, तो ये तो चलो बढ़ाऊंगा नहीं मैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रास ब्लॉक को यूज करता हूँ अभी के लिए, अगर मैं ग्रास ब्लॉक को यूज करूंगा और ग्लू से मैंने सबको चिपका दिया और मुझे अभी लगता है कि ये घूमेगा, तो एक काम करते पहले गोल घुमाते। और ये देखो भाई घूमना चालू कर चुका है, क्या बात है। अब जो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम लोग भी वही सोच रहे हो, तो ये देखो पहले मैं इसको तोड़ता हूँ और ये वाली सेम चीज को मैं बनाने वाला हूँ इस तरफ। लेकिन मैंने खोदा कहाँ से था यार, मुझे लगता है परफेक्ट सेंटर पॉइंट यही सही रहेगा, तो एक काम करते इधर आते हैं पहले हम लोग, और मुझे कुछ चीजें यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ पहले पूरा पीछे जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं घुमाऊंगा तभी जाके लगेगा ना भाई नॉर्मल। तो मुझे इसको इस तरफ फेस करते हुए लगाना, तो ये देखो ये इसका डायल घूम रहा है, एक खतरनाक चीज है एकदम। और मैं इस चीज को बढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं आरपीएम ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ इसको। एक काम करते कम में रखते हैं, 10 ठीक रहेगा, एकदम धीरे धीरे घूमेगा। और मुझे एक सिंपल सी शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ शाफ्ट को ऐसे करके लगा देता हूँ मैं, और ये मैं आगे ले जा सकता हूँ, क्या बात है। तो एक काम करते इसको यहाँ तक ले जाते हैं, और मुझे अब लगता है पूरा का पूरा घूमना चाहिए, शाफ्ट भी घूमना ही चाहिए इसके साथ। ओके एक शाफ्ट घूम रहा है, मैं एक काम करता हूँ पहले ग्लू से सबको चिपका देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक चिपकाना पड़ेगा। ओके परफेक्ट रहेगा, अब देखते होता है कि नहीं भाई, प्लीज घूम जाए। क्या बात है यार पूरा घूम रहा है यार, हमारा प्लान सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अभी सबसे खतरनाक चीज बचा है, तो एक काम करता हूँ पहले इसको ढक देता हूँ, इसको रोक देते पहले। तो अब मुझे पूरे एरिया को चिपकाना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन टेंशन मत लो चिपकाएंगे आराम से। तो उसके लिए मुझे साइड का एरिया खोदना पड़ेगा पहले, तो बस मुझे पूरे एरिया को ग्लू करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा ग्लू होता भी है क्या, चलो कोई बात नहीं आगे तक ले जाता हूँ भाई, कुछ ज्यादा लार्ज एरिया हो गया तो मुझे पहले इतने में रुकना पड़ेगा। ओके पहले इतना परफेक्ट रहेगा, और आगे लेकर चलते हैं इसको यहाँ से पकड़कर। तो यार मैंने हर जगह पर ग्लू लगा दिया, और ये क्या है, इस चीज को हटाना पड़ेगा, ये कौन सा ग्लू है। तो ये हट चुका है, क्या बात, कई बार भी ग्लू लग जा रहा है, और ये भी पता नहीं कुछ ग्लू है, इसको भी हटाते हैं पहले। ओके पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखो तुम लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक काम है लेकिन कर दिया मैंने आखिरकार। थोड़ा सा बस यहाँ का बचा हुआ है, तो इसको भी हम लगा देते पहले। ये देखो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब बस एक काम बचा हुआ है, और यहाँ पर मैंने गलती से ग्लू लगा दिया, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो बस मुझे यहाँ पर घुमाना है इसको, पहले इसको भी कवर कर देते हैं, तो परफेक्ट लगना चाहिए ना, फर्स्ट एंड लास्ट ट्राई होने वाला है क्योंकि हमारा। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मुझे लगता है पूरा घूमना चाहिए भाई, क्या बात है यार पूरा घूम रहा है, क्या गजब लग रहा है। एक सेकंड मैं खड़े भी हो सकता हूँ इसमें, यार इससे गजब चीज आज तक नहीं देखा मैंने। तो पहले यहाँ से निकलते, अरे मैं खुद बंद हो गया, जो यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी, ये तो कोई गेम शो बन चुका है, क्या बात है यार। इसको रोकता हूँ पहले मैं, और ये क्या हुआ, ओके आड़े में रुक चुका है। ये देखो अब मैं तुमको बताता हूँ करने क्या वाला हूँ मैं, पहले मैं इसको सीधे में रोकता हूँ। ये देखो ये ऐसे रुक चुका है, थोड़ा सा ग्लिच दिखेगा लेकिन टेंशन मत लो। अब अगर मैं इसके नीचे जाऊंगा तो ये देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये प्रॉपर सेम टू सेम है। तो हमारा इलीगल तो पूरा हो चुका है, बस बेस बचा हुआ है, दो चीज बनाने का हाथ हमें, तो इलीगल काम तो हो चुका है, बस बेस बचा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं उल्टे में एक बेस बनाऊंगा, लेकिन ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा भाई उल्टा कौन बनाता है भला, पहले मैं उसको सीधा करूंगा फिर बनाऊंगा। तो पहले ऊपर चलते हैं और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक गंदा सा बेस बना देता हूँ और उसको ग्लू से अप्लाई कर देते हैं। तो यार ये गंदे से घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे एक चीज करना है यहाँ पर, एक काम
करता हूँ, पहले मैं इसको घुमाने का ट्राई करता हूँ और हो रहा है कि नहीं, ये देखो ये अभी बिल्कुल नहीं होगा और शायद टूट भी जाएगा अगर मैं रोक दिया तो एक काम करते यहाँ पर रोकते हैं पहले और इसको मुझे ग्लू अप्लाई करना है पहले। ये शायद कंप्लीट हो चुका है, क्या बात है इसको भी ग्लू लग चुका है। अब अगर ये घूमेगा तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। इसको पहले घुमाते हैं और ये देखो इसके साथ ही साथ ये भी घूम रहा है और इस साइड में रोकता हूँ पहले और इस साइड हम लोग बनाएंगे अपना बड़ा सा बेस, लेकिन पहले गंदे वाले बेस को कंप्लीट कर देता हूँ। और ये देखता हूँ फ्लिक और राहुल क्या कर रहे हैं अभी, यार पता नहीं ये सब चीजें देखना ले वो लोग, उनके बेस में जाने वाला थोड़ी देर में। मैं पहले एक काम करता हूँ इस सबको ढक लेता हूँ मैं, ओके कंफर्म हो चुका है पूरा तो अब सही है, अब किसी को शक भी नहीं होगा। और एक काम करता हूँ पोशन लेता हूँ इनविजिबल वाला, ये देखो अब मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। तो अब चलते थोड़ा फ्लिक और राहुल को ट्रोल करते हैं। तो एक काम करता हूँ मेरा काम तो लगभग हो चुका है, मैं अपना बचा हुआ बना लूंगा, टेंशन मत लो। तो ये देखो ये फ्लिक का बेस और ये क्या बना दिया इसने इतना सारा, एक मिनट रुक जाओ यार देखना पड़ेगा मुझे अच्छे से, ऐसे देख नहीं सकते हम लोग। लेकिन सच में यार इतना खतरनाक बेस बना के रखा है इसने, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि फ्लिक अपने हाथों से ऐसा बना रहा है। तो एक काम करते पहले मैं टीएनटी ले लेता हूँ, एक काम करते इसको थोड़ा ट्रोल करते, थोड़ा टीएनटी वगैरह फोड़ता हूँ इसके बेस में मैं, तो ये तो मुझे देख नहीं पाएगा। यार क्या इलीगल बेस बना रहा हूँ यार मैं, क्या बात है यार, इतना अच्छा बिल्डर था यार मैं, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यार आज कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया यार, इस बार तो कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगा। और एक मिनट अभी ये किसने लगा दिया ये, अरे भाई भागो भाई, अरे मेरा बेस फोड़ दिया किसी ने, और ये क्या हो रहा है इधर भाई, गंदा वाला ट्रोल किया। इसको पहले दूध का बकेट पी लेता हूँ मैं और अब ठीक है यार, यार बेस बनाने लग जाता नहीं तो मेरे ऊपर शक आएगा, वैसे किया तो मैं नहीं हूँ। यार ये किसने मेरा बेस उड़ा दिया यार, मुझे देखना पड़ेगा ये लोग किधर है यार, इन दोनों में से किसी ने मेरा बेस उड़ाया होगा। और एक मिनट डैश इधर है यार, तूने मेरा बेस क्यों उड़ा दिया भाई, अरे तू मेरे बेस में क्या कर रहा है, भाग ऐसे मेरे बेस में तो आ नहीं सकता ऐसे, चले जाओ उल्टे पैर। अरे चले जा मतलब क्या, तेरा बेस है किधर पहले ये बता। यार ये तो तूने कुछ बनाया नहीं है, क्या है भाई गोबर है तो, लेकिन मेरा बेस किसने उड़ा दिया भाई, टीएनटी लगा दिया था किसी ने, मेरा बेस उड़ गया यार, तेरी गलती होगी यार, मुझे क्या पता यार, मेरा बेस देख यार बना भी नहीं है, मुझे समझ भी नहीं यार इलीगल बेस कैसे बनाऊं मैं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। और मेरे सामने से ना अभी राहुल उड़ते हुए गया था, मैंने उसको देख लिया ना, इसलिए मेरे बेस में नहीं आया। पक्का तेरे बेस में क्या होगा यार, यार राहुल उड़ रहा था, क्या बात कर रहा है इधर ऊपर में, और क्या भाई नीचे में कोई उड़ता है क्या। अरे एक मिनट यार, फिर तो वही होगा यार, तेरा तो बेस नहीं बना यार, मैं तुझे देख के बता सकता हूँ, तेरे पास तो टीएनटी के भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि यार तूने कुछ बनाया ही नहीं है। रुक जा यार, उसका जाके देखता हूँ मैं अभी सबसे पहले तो। और भाग यार, अभी अगली बार बेस में नहीं आना, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तू। अरे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता यार मुझे, रुक जा यार सबसे पहले तो अभी राहुल का बेस ही उड़ा दूंगा मैं यार। बहुत गंदा वाला मामा बनाया मैंने, एक काम करता हूं पहले ऊपर चलता हूं और देखता हूं यार क्या करने वाला है। यार ये रहा राहुल का बेस और ये अंडा क्यों बना रहा है, और वो देखो फ्लिक आ गया पागल, वो देखो क्या कर रहा है, अरे टीएनटी लगा रहा है वो तो। और एक मिनट, अरे अरे भाई और नहीं पागल, अरे ये फ्लिक ओए, अबे अबे भाई क्या हो गया, अरे तूने मेरा बेस उड़ा दिया भाई, तूने मेरा बेस उड़ा दिया। लेकिन यार डैश के पास तो पैसे ही नहीं है टीएनटी खरीदने के लिए, तू ही होगा और कौन होगा इधर। अरे भाई हम सब अभी क्रिएटिव में भाई, तो कहां से पैसे आएंगे। अरे यार शोर शराबा क्यों कर रहे हो तुम लोग, बेस बनाना तो मुझे अच्छे से, और सिर्फ हमारे पास में अभी 2 मिनट बचे हुए, 2 मिनट में अगर तुम्हारा बेस नहीं बनाना तो पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। अरे कुछ भी हो भाई, इसने तो मेरा बेस फोड़ दिया। अरे इसने तो कुछ नहीं बनाया भाई, टूटने के बाद भी अपना ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ यार बात तो सही बोल रहा है यार, तू आ गया से। तो यार मैंने पूरा घर तो बना लिया छोटा सा अभी, यार इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे पास अच्छा सा मॉड है। तो एक काम करता हूँ पहले मैं इसको ग्लू कर देता हूँ पूरा, और इस तरफ से लेकर यहाँ तक ग्लू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अच्छे तरीके से ग्लू हो चुका है, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो सब कुछ सही होना चाहिए। अब ये देखो, अरे घर आधे रह गया, रुक जाओ भाई फिर से वापस लाना पड़ेगा। ये देखो सड़ा सा घर पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब बस मुझे इसको घुमाना है। और ये देखो इसका ये वाला साइड कम्प्लीट हो चुका है बढ़िया तरीके से, अभी काम करता हूँ रोक देता हूँ मैं यहाँ पर। और ये पता नहीं कभी कभी ग्लिच हो जाता, लेकिन टेंशन मतलब सब सही हो जाएगा। अब ये साइड मैंने क्यों बना दिया ऐसे मुझे नहीं पता, लेकिन टेंशन मतलब हमारे पास अभी 1 मिनट बचा हुआ है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि 1 मिनट में ऐसा कौन सा बेस बनाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मेरे पास एक बहुत खतरनाक मॉड है जिससे हम लोग इंस्टेंट हाउस बना सकते हैं, जल्दी से मैं एकदम बढ़िया सा घर बना लेता हूँ कैसल जैसा कुछ। तो यार मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े और अब जाकर मैं पूरा फाइनल कर चुका हूँ और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो एक काम करता हूँ पहले मैंने कमांड डाल के रखा हूँ, अब मुझे बस एंटर करना। और ये देखो हमारे सामने आ चुका है बढ़िया सा घर, और सोचो यार 5 मिनट में ऐसा घर बनता है वो भी कितने खतरनाक तरीके से बनाने वाला। और एक सेकंड ये वहां पर क्यों जा रहा, रुक जाओ पानी हटाना पड़ेगा मुझे, और इसको भी ग्रास में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं तो उस साइड में कुछ और ही दिखेगा। और बाकी सब जगह ठीक है ना, पहले देख लेता हूँ मैं। यार मुझे तो लगता है बाकी हर जगह पर सेम है, बस मुझे ग्लू लेना है और इसको ऐसे चिपकाना है बस। यार पूरा ग्लू का काम हो चुका है मेरा, अब सब चीज को मैंने चिपका दिया अच्छे से, बस एक बार ट्राई करना है होता है कि नहीं। भाई घूम रहा है पूरा, एक सेकंड देखना पड़ेगा क्या नहीं घूम रहा है। एक सेकंड कुछ चीजें अभी बची हुई है, अब वो क्या चीज है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते इनको जल्दी चिपकाता हूँ मैं, और टाइम भी अप हो चुका है क्योंकि यार तो मेरा तो देखो बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, और तुम लोग किधर हो यार, टाइम अप हो चुका है। तो एक काम करता हूँ इसको बढ़ा देता हूँ। यार हर बार लेट कर देता है भाई, ये देखो यहाँ। और ये क्या, इसने तो कुछ बनाया नहीं भाई, मैंने ऊपर से देख लिया भाई, छी क्या है ये, तेरे -2 होने वाले राहुल, देख इसने क्या किया। अरे क्या किया तू भाई, आने में लेट कर रहा था इसलिए झाका यार मैंने। अब झाके का तो आंखें निकालूंगा तेरी। तो एक काम करते फ्लिक के बिल्ड में चलते, आ जाओ भाई क्या बॉस टावर है। अरे पर बिल्ड की बात नहीं होती, इलीगल बेस की बात हुई थी, ये कौन सा इलीगल है, अंदर है ना भाई, अंदर जाके देख क्या अंदर है भाई। अरे मेयर का ये साइन क्यों हिल रहा है। अरे भाई ये मसाला बना रहा है नीचे में कोई, तो अलग टाइप का, तुमको नहीं पता वो क्या है, वो मेरा बिजनेस है पर्सनल वाला, आ जाओ ऊपर दिखा दो। आटा पीस रहा है शायद, और ये पक्का भाई यूट्यूब का धंधा छोड़ दिया तूने भाई, यहां पे कितना अच्छे से घूम रहा है। अरे कुछ भी नहीं है भाई, तुमको नहीं दिख रहा यार वो, ये पागल बना रहा है। छी यार ये इलीगल बेस इसका यार, ये तो मजाक है भाई, मजाक भाई, इतना ज्यादा इलीगल है कि तुम लोग देख भी नहीं पा रहे हो। देखो यार ऊपर वाले फ्लोर में भी घूम रहा है गोल गोल।
यार एक काम करो यार, यार जनता तुझे बताएगी यार। मुझे एक बार होता तुम लोग, तुम्हें कोई इलीगल बेस दिख रहा है यहाँ पर? अगर दिख रहा है तो यस लिखना, और अगर नहीं दिख रहा है ना तो फ्लिक को भर भर के गाली दे देना। और तुम लोग फ्लिक का बेस रेट करके बताओ कितना देना चाहते हो 10 में से। मैं तो देना चाहूंगा 3 बस। भाई मैं तो 11 दे रहा हूं। थूकना भी नहीं चाहता यार। मैं तो 11 दे रहा हूं। आ जाओ जाओ ऊपर आओ भाई, अगला देखते हैं किसका है। अगला चलते राहुल के बेस में, आ जाओ। चलो चलो भाई, और देखो ये क्या अंडा? बोलते अंडा? भाई एंडर ड्रैगन का अंडा। अरे भाई नॉर्मल वाला अंडा नहीं, नहीं है ये यार। तो ये क्या है तू बता हमें अब। ये देखो भाई, यहाँ से एंटर देखो, खुद ब खुद खुलता है इसका गेट। बस यही भाई, तेल लाओ यार, इसको पका के खा जाते हैं। आ जाओ। तो ये क्या है, रुक जा, इस साइड भी कुछ है। इधर मैं खोल के देखता हूं। यहाँ पे आओ पहले। अरे अरे इसको राइट क्लिक करना है, और देखो यहाँ पे पीछे पीछे पोर्टल है। और एक सेकंड, पोर्टल तो ठीक है, और ये हवा में कैसे, हम लोग ये कैसे बनाया तूने? अरे वही तो है भाई, एकदम सही खेल यार। ये पक्का बैरियर ब्लॉक होगा भाई। भाई नहीं है बैरियर, मैंने भाई उठा के देखा, ये देखो नहीं दिख रहा यार, कुछ भी नहीं टूट रहा यहाँ पर यार। ये तो रियल में कुछ बना दिया राहुल ने। अरे अरे भाई इसको तो तोड़ क्यों रहा है तू? अच्छा छोड़, अभी इसको पूरा फोड़ ही दे। देखो ये देखो पागल नीचे गिर गया। मैं तो चला गया भाई नीचे यार। भाई नकली निकला यार बेस, ये तो फालतू यार, इसको मैं 0 पॉइंट दूंगा यार। मैं इसको दूंगा फ्लिक के बेस से अच्छा, इसको दूंगा 4 पॉइंट यार। कम से कम मैं फ्लिक से तो जीत चुका हूँ, क्योंकि दरवाजा अच्छा है तेरा, इसलिए दे रहा हूँ मैं 4 पॉइंट। अब आ जाओ तुम लोग मेरे बेस में, जल्दी आओ। तो अभी जाके राहुल आ गया, अब आ जाओ तुम लोग मेरे बेस में। अरे क्या अच्छी ये तो झोपड़ी है, तो इसमें तो मेरा कुत्ता भी ना रहा है भाई, क्या ये? इतना तो मैं आग बंद करके बिल्ड कर दूंगा यार, क्या है, हट इसको तोड़। अब तुम लोग पीछे आओ, तुमको बताता हूँ मैं कुछ क्या होगा भाई। इधर क्या होगा यार, यहाँ पर खड़े हो जाओ तुम दोनों। और क्या भाई, अभी खुल जा सिम सिम करने वाला है क्या? और क्या बोल, खुल जा सिम सिम भाई। अरे ये क्या ये देख, ये तो फालतू है, क्या गोबर है? तो गोबर है, अबे गोल गोल घूम रहा है, ये क्या था, तुझे समझा नहीं कुछ? इस टाइप का मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है भाई। देखा है ना, लेकिन मैंने तो बना दिया भाई। और क्या घूम रहा है भाई ये गोल, एकदम सही सही भाई, सही तो घूमेगा ना, घूमने मजा आ रहा है भाई। ये बना एकदम खतरनाक होगा, लेकिन यार घूमने मजा आ रहा है भाई। एक बात बताओ, ये एक्चुअली हमारा घर भी है, और अगर बोर होगा तो हम लोग खेल भी सकते हैं, ये देखो। और तुम लोगों को एकदम मेन चीज दिखाया नहीं मैंने। एक काम करो, तुम लोगों को मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, अब घूम के बताओ। ओ भाई ये क्या है, ये भाई इसकी स्पीड को, अरे अरे मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या हुआ? अरे भाई मेरी आंखें यार, रुक रुक भाई इसको बंद करने दे। भाई तेरी आंखें बंद, ये क्या हो रहा है? ये देखो भाई, डबल डबल घर बना के रखा हूँ मैंने, इसको बोलते इलीगल बेस, तुम जैसा नहीं बच्चों वाले इलीगल बेस। और भाई तेरा बिल तो अच्छा है यार, और मैं इसको दूंगा भाई 5 नंबर। 5 इतने सब के लिए देगा यार? तूने घर तो एकदम बेकार बनाया, चल फिर भी तुझे 3 दे देता हूँ यार, राहुल को तो 0 दिया था। तो यार इस बार तो मैं जीत गया, क्या बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट बिल्ड हमारा क्या होने वाला है। तू कैसे जीत गया यार, इतना गंदा था ये बिल्ड। अरे यार हट जाओ भाई तुम लोग, इस बार मेरी बारी है, मैं खोलूंगा इसको। पड़ता मैं सामने तो है नहीं, लेकिन स्मॉलेस्ट इलीगल बेस, तुम भी देख लो यार, ये क्या बात हुई, जो पहली बार देख रहा हूं मैं। बनाना है शायद, नहीं टाइनी नहीं होता, टाइनी लिखा रहता, नहीं तो स्मॉलेस्ट इलीगल बेस बनाना हमें। अरे तो लेकिन इसके लिए हमको कितना टाइम मिला है, ये तो फ्लिक को पता होगा यार। इसके लिए तो यहाँ पे लिखा है भाई 9.5 मिनट। बाप रे इतना ज्यादा टाइम, चलो फिर यार। अरे भाई चलो चलो यार भाई, चलो चलो अभी बनाता हूँ भाई सबसे छोटा वाला बिल्ड और तुमको खत्म करता हूँ यार। तो इन गरीबों को लग रहा होगा कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, और इन लोगों के पास प्लान है। टेंशन मत लो, सबसे खतरनाक इलीगल बेस तो सेकंड नंबर पर बनाने वाला था मैं, क्योंकि पहले से अगर इनको डरा दूंगा तो हो गया फिर। ये सब मैंने प्लान किया हो यार, वैसे मुझे भी अच्छे से पता नहीं था कि स्मॉलेस्ट इलीगल बेस सेकंड नंबर पर आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो मैं ऐसा इलीगल बेस बनाऊंगा, जो बाहर से तो छोटा दिखेगा लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और टेंशन मत लो, साइज वाइज छोटे करने की जरूरत नहीं हमें। तो यार तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या इलीगल बना दूंगा, क्योंकि टाइनी बेस तो हमें बनाना नहीं है छोटे छोटे ब्लॉक से, हमें तो प्रॉपर स्मॉलेस्ट बेस बनाना है। तो तुम लोग टेंशन मत लो यार, ये मेरा सबसे खतरनाक वाला बेस होने वाला है, क्योंकि इसकी तैयारी मैंने पहले से करके रखा था। मुझे पता तुम लोग को कुछ अजीब दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो एक काम करते पहले ओ क्लॉक को ऐसे लगा देता हूँ मैं। अब देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट बेस तुम लोग को लगता है होना चाहिए, मुझे लगता है सबसे स्मॉलेस्ट बेस है। अगर मैं ये भी तोड़ दूंगा तो ये देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट बेस बन चुका है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये देखो यहाँ पर तो ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर ये गायब क्यों है यार? सबसे इलीगल डोर मैंने खरीद लिया हूँ। अब देखो जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं कहीं और ही पहुंच जाऊंगा। अब तुम लोग सोचोगे ये तो चीटिंग है भाई, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे बस इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक लगाना है, और पहले मुझे इस चीज को ढकना है ताकि फ्लिक और राहुल यहाँ पर आ ना पाए। अच्छा बड़ा सा एक बेस बनाना पड़ेगा ओक लॉक से, उसके बाद मैं डेकोरेट करूंगा इसको। तो यार ये देखो मैंने क्या क्या बना दिया यहाँ पर, बड़ा सा एक घर बना दिया। वैसे लगना चाहिए ना कि हम लोग एक छोटे से घर के अंदर है, और ये पूरा ओक का बनाना पड़ा मुझे। मैं चाहता तो अच्छा बना सकता था, लेकिन क्या करें मजबूरी। और ये बैट्स कहाँ से आ रहे हैं? एक काम करता है कमांडे से सबको मार देता हूँ, पता नहीं बैट्स कहाँ से पैदा हो जा रहे हैं। चलो ये तो मर गए। अब देखो ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। सोचो इतनी सी जगह पर मैंने ये सब भी बना दिया। अब मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो यार, देखो ये स्मॉलेस्ट बेस पॉसिबल है जितना मैं कर सकता था। और ये देखो अब मैं यहाँ पर एक डोर लगाऊंगा, और जैसे ये डोर लगेगा अब भाई किसी को अंदर का कुछ नहीं दिखने वाला है। जब ये लोग डोर खोल के जाएंगे अंदर तो ये दिखने वाला सबको यार, ये तो इलॉजिकल हो गया। और ये डोर ग्लिच कर रहा है थोड़ा सा, चलो इसको इग्नोर करना। यार तुम लोग कमेंट करके बताओ ये कैसा बिल्ड लग रहा है तुम्हें, क्योंकि सबसे ज्यादा इलीगल चीजें मैंने इसमें यूज किया हूं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब अंदर चलते हैं और थोड़ी बहुत और डेकोरेशन करना, जैसे कि बेड लगाना है। तो एक काम करते हैं यहाँ से सीढ़ियां बनाता हूं मैं, और बेड लगाना जरूरी है क्योंकि स्मॉलेस्ट बेस का एक रूल होता है, इसमें वो सब चीजें होनी चाहिए जो नॉर्मल बिल्ड में होती है। तो मुझे बेड लगाना पड़ेगा और एक दो फार्म शायद बनाना पड़े। तो एक काम करते हैं यहाँ पर कुछ चेस्ट लगा देता हूँ मैं इस साइड, और इतने चेस्ट काफी रहेंगे। इसके ऊपर मुझे फर्नेस भी लगाना है,
तो यार लगना चाहिए ना हमारा बेस है पूरा, स्मॉल स्पेस में रहना भी तो है हमें। तो एक काम करते इतना काफी रहेगा, एक काम करते पूरे फर्नेस भर देता हूँ। और ये देखो हमारा बेड भी रेडी हो चुका है, थोड़ा इलीगल बेड बनाया क्योंकि यार स्लैब होते नहीं है इस चीज के, तो चलो वो तो मैंने कैसे बना दिया। और इस तरफ देखो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है इससे टाइम हमें मिलेगा नहीं। यार जल्दी बाहर आओ भाई, क्या कर रहे हो, मेरा तो बेस बन चुका है, तुम लोग टाइम पास क्यों करा रहे हो यार हर बार जैसे। टाइम पास कौन करा रहा है, आ जाओ सेंटर में, 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इस बेस को बनाने के लिए सबसे कम टाइम मिला था। कितना सा यार, मैं तो 2 मिनट पहले बना के रखा था यार इसको। अरे मेरा तो 1 मिनट में बन गया था बिल्ड। अरे मेरा तो 1 सेकंड में बन गया था। कौन दिखाएगा पहले, पहले राहुल के बेस में चलते हैं। आओ भाई आओ, मैं तुमको दिखाता हूं भाई बेस्ट एकदम स्मॉलेस्ट बेस। देखो भाई यहाँ पे हर चीज तुमको मिलेगा अंदर में। भाई तेरा बाथरूम ओपन है यार हवे में। अरे तो भाई और क्या ही कर सकता हूँ मैं, ये कौन सा बाथरूम है। अरे अरे भाई वो संडास है यार, बाथरूम नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं और इसका घर देखते हैं। भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर फार्म है, अच्छी बात है, और सारी चीजें है यार। वैसे तो सब चीजें दिख रही है मुझे, और ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं भाई, कमाल है। तो रेट कितना करना चाहोगे तुम लोग ये बताओ पहले। भाई रेट मैं करूंगा इसको, इसको मैं 2 दे रहा हूँ भाई, 2 मार्क्स, मैं 4 मार्क्स दूंगा। राहुल का टोटल होता है 6। अब आ जाओ तुम लोग ऊपर, ठीक हो गया भाई, चलो आजा भाई लिख के बेस में चलते हैं। अरे ये बेस है मेरा, ये देखो भाई लकड़ी का बनाया मैंने एकदम, आग भी जला सकते हैं हम लोग इसको। यार ये बेस कम, ये पता नहीं झोपड़ी ज्यादा लग रहा है भाई, तो झोपड़ी झोपड़ी पता नहीं क्या है। लास्ट फर्नेंस है यार, इसको मैंने 6 लाख रुपए का खरीदा यार, बहुत अमीर जगह, तुमको नहीं पता भाई 6 लाख रुपए का। और ये बेड और ये ऊपर में, अरे ऊपर में ये भी लगाया है। लेकिन एक बात बता, तेरा बाथरूम टॉयलेट किधर है, तो खुले में ज्यादा लगता है। अरे यार वो तो खेत में जाना चाहिए ना यार, कमाल है फ्लिक खेत में जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग आ जाओ मेरे बिल्ड में भाई, तुम लोग भी खेत में जाओ भाई। फ्लिक के पास तो कुछ भी नहीं, संडास भी नहीं है, तो अब मेरा बेस बचा हुआ है, तो आ जाओ भाई सबसे स्मॉलेस्ट बेस। ये देखो चलो भाई, अरे तूने तो बनाया नहीं बेस, किधर है, मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है। ये है भाई स्मॉलेस्ट बेस भाई, तू फेल हो तो गए भाई यार, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वही तो 2 ब्लॉक तो मिले भाई, क्या है इसको 0 दे रहा हूं मैं। अरे रुक तो जाओ यार, तुम लोग मानते हो कि ये स्मॉलेस्ट बेस है, पहले ये बताओ। अरे यार मुझे रेटिंग कितनी चाहिए पहले ये तो बताओ। अंदर से नहीं यार, अंदर से अब आ जाओ, कम ऑन। अरे ये क्या है, ये कैसे पहुंच गए, कहां पहुंच गए हम लोग, ठीक है ये तुम्हारे साथ में स्कैम हो गया बहुत भयानक वाला, तुम लोग अंदर ही रहो और बहुत खतरनाक वाली रेटिंग देना। ये देखो फ्लिक और राहुल इसके अंदर फंस चुके हैं भाई, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हार गया यार मैं, कैसे हारा हूँ भाई, हमको एकदम स्मॉलेस्ट वाला बिल्ड करना था भाई, ये तो क्या है। अरे तो मैं जीत चुका हूँ वापस से, तू कैसे जीता है, स्मॉलेस्ट बेस हमारा बाहर से दिखना चाहिए, अंदर से तो तुम लोग कुछ भी बना सकते हो। तो ये देखो ये है भाई जायंट बेस, और जैसे हम लोग बाहर आते हैं ये दिखता है हमें, तो तुम दोनों आ जाओ जल्दी बाहर, गरीबों को नहीं जान चाहिए ज्यादा। तो पहले बता दो तो मैं भी ऐसा बना सकता था यार, क्या भाई चीटिंग कर दिया तूने, मैं जीत गया भाई। यार भाई स्कैम 2024 है तो भाई, स्कैम हो या कुछ भी हो, इलीगल बेस था तो मैंने इलीगल बनाया, तुम्हारा पता नहीं कौन सा इलीगल था, इल्ली था पता नहीं। तो जल्दी से रेट करो, क्या रेट देना चाहोगे इसको। इलीगल चीजें मैं नहीं बनाता भाई, भाई इसको मैं दूंगा 100 रुपए पर घंटा। यार मैं इसको रेटिंग दूंगा कम से कम 10 की, लेकिन अगर यार तूने पहले बताया रहा तो मैं जीत गया था। चलो तो फ्लिक की रेटिंग से मैं जीत चुका हूँ, और राहुल तो 100 रुपए घंटा अपने पास ही रख, और अब आ जाओ थर्ड बिल्ड के लिए, देखते भाई थर्ड बिल्ड क्या मिलने वाला हमें। यार पिछले दोनों बिल्ड बैटल तो मैं जीत गया, अब बारी थर्ड बिल्ड बैटल की, तो कौन निकाल रहा पर्ची, काम कर रहा तू निकाल यार, मौका दे रहा हूँ। अरे नहीं भाई तू ही निकाल यार, यार तू हर हर बारी कुछ ना कुछ झोल गन कर रहा है भाई। इलीगल पिरामिड, चलो निकाल दिया, देख लो तुम लोग पहले। भाई सही बोल रहा है यार तू इस बारी, तो हर बार सही बोलता हूँ मैं। चलो ठीक है यार, उठा के फेंकता हूँ इसको। यार लेकिन हमको बिल्ड करने के लिए कितना टाइम मिला है यार, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिला है। 3 मिनट 10 सेकंड है यार, तुम लोग क्या फालतू बात करते हो यार, हर बार टाइम गलत बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इसको 3 मिनट 10 सेकंड चाहिए तो ले ले भाई, तो 3 मिनट 10 सेकंड। एक काम करता हूँ मैं, तुम लोग को दिखाता हूँ पिरामिड के नाम पर क्या बनाने वाला हूँ मैं। वैसे बहुत सारी इलीगल चीजें हैं मेरे पास में, लेकिन मैं एक ही यूज करूंगा क्योंकि यार इन लोगों को शक ना हो जाए। तो ये देखो हर बार हम लोग क्या करते हैं पिरामिड के लिए, ऐसे करके ब्लॉक लगाते हैं, जो मैं इस बार वो गलती नहीं करने वाला। भाई ऐसे वाला पिरामिड कौन बनाता है, ये लोग बच्चे लोग बनाएंगे, मैं तो बनाऊंगा एकदम खतरनाक वाला पिरामिड। और इलीगल बनाना है, मतलब हमें इलीगल एंट्रेंस भी बनाना है। ये लोगों को तो पता है इलीगल के नाम पे हमें पिरामिड की एंट्री बनानी है इलीगल वाली। तो एक काम करता हूं मैं ये वाले फ्रेम ब्लॉक रखता हूं पहले ऐसे, और यहां पर मुझे ब्लॉक लगाना पड़ेगा इस टाइप से। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, लेकिन 1 सेकंड ओ भाई परछाई दिख रही है। 1 मिनट भाई, और भाई तूने अभी अभी क्या बिल्ड किया था, ये यार कुछ अजीब से ब्लॉक थे ये। अरे ऊपर से अलग दिख रहा था तुझे, ये देख पिरामिड बिल्ड कर रहा हूँ मैं, ये देख यार भाई। लेकिन वो तो यार कुछ ट्रायंगल टाइप का दिख रहा था। अरे तेरी आंखें कमजोर है, वैसे भी चश्मा लगा रखता है तू दोपहर में। यार चले जा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यार, क्या कर रहा है तू मेरे बेस में, भाग ऐसे। और मैं तो देख रहा था भाई कि तू क्या बिल्ड कर रहा है अभी। कमाल है यार, देखने के लिए कैसे आ सकता है, इलीगल है तो। चलो कोई बात नहीं, इलीगल बिल्ड बैटल है तो देखो मुझे इस टाइप से बनाना अपना पिरामिड। तो मैं सोच रहा हूँ एकदम बड़ा सा पिरामिड बनाते हैं, तो ऐसे करके ये इस तरफ ले जाना पड़ेगा मुझे, और फिर कॉर्नर ब्लॉक लगेंगे। तो ये रहा वो कॉर्नर ब्लॉक, क्या गजब लग रहा है यार। तो एक काम करता हूँ पहले मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो यार मैं तुम लोगों को बता दिया बनाने क्या वाला हूँ, लेकिन मैं अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यार 3 मिनट मिला है मुझे सिर्फ, वो भी मैंने कहा था अभी। तो मुझे वैसे यहाँ पर पेस्ट करना है इसको, और ये देखो अपने आप बन चुका इतना बड़ा पिरामिड, वो भी देख रहे हो तुम लोग पूरा स्लोप वाला, इतना खतरनाक सा किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक। अब मुझे इसमें खतरनाक सी एंट्री डालनी है यार। ये देखो यहाँ पर ये ऐसा छेद क्यों है, थोड़ा सा एंट्री बड़ी करनी पड़ेगी इसकी, इतना काफी रहेगा, अब मैं बाद में बना लूंगा। और ये देखो अंदर से भाई प्रॉपर पिरामिड
हेलमेट जो रियल में होता है वैसे नीचे से ब्लॉक है, मैं चाहूँ तो इसको तोड़ सकता हूँ, पर ये बाहर आ जाऊंगा वापस से, तो ये वाले ब्लॉक मुझे फिर से लगाने पड़ेंगे। और कॉर्नर का एरिया देखो यार कितना परफेक्ट आया हुआ है। तो यार मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं यूज करूंगा बेड डोर, सबसे खतरनाक है ये। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बेड लगा देता हूँ, इनको अंदाजा भी नहीं होगा भाई क्या होने वाला है इनके साथ। तो एक काम करते हैं, बेड हम लोग इस तरफ कोने पर लगाते हैं, और ये देखो ये बेड तो आ चुका है। अब जैसे मैं ये बेड खोलूंगा, ये देखो नीचे जाने का रास्ता यार इतना खतरनाक कहाँ पर होता है। तो यार मेरा पूरा काम हो चुका है और हमारा टाइम भी लगभग खत्म हो चुका है, तो तुम लोगों को दिखाता हूँ मैंने बनाया क्या हो। ये देखो ये हमारा पिरामिड है, अब यहाँ से एंट्री बनानी थी ना हमें इलीगल वाली, तो ये देखो यहाँ से हम लोग ये बेड को खोलेंगे। अब इनको लगेगा भाई सोने के लिए बेड बनाया मैंने, लेकिन नहीं यार यहाँ से बेड हम खोलेंगे, और हम चाहे तो ऐसे बंद भी कर सकते हैं, इसको अपने आप बंद हो जाता है। फिर इससे इलीगल चीज क्या हो सकती है, और वैसे पिछले वाला बिल्ड इससे ज्यादा इलीगल था, तो इसको हम ऐसे छोड़ते हैं। और जैसे मैं इधर आऊंगा तो आराम से हम लोग निकल जाएंगे पिरामिड के अंदर। अब बस एक चीज बचा हुआ है जो इस चीज को भरना, और तुम लोग किधर हो यार जल्दी आ जाओ यार। लेकिन भाई अभी भी 8 सेकंड बाकी है। 8 सेकंड बाकी तो मुझे क्या मतलब, वो भी हो चुके हैं। तो एक काम करता हूँ पहले मैं बेड को बंद करता हूँ, दिख जाएगा इन लोगों को। तो बेड हो गया अच्छे से बंद, और ऐसे रहने तो बेड को किसको शकाएगा बेड पर। और भाई अभी यहाँ पे टाइम तो खत्म हो चुका है यार, तो भाई अपना बिल्ड कौन दिखाएगा पहले। मेरे बिल्ड में आ जाओ गरीबो। अरे तेरा बिल्ड ये कैसे हो सकता है, और एक मिनट ये क्या इतना चिकना कैसे बना है यार, ये तो तेरे पे गया है भाई। अरे भाई मेरा तो पैर भी नहीं चल पा रहा भाई यहाँ पे अच्छे से। सच में यार ऊपर भी नहीं आ पा रहा हूँ, गिर रहा हूँ मैं बार बार भाई। इसमें मिठास की लहर है, फ्लिक पे गया ये। यार भाई बिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई इसकी एंट्री का है। एंट्री मैं अंदर जाऊंगा कैसे यार, तुम तोड़ नहीं सकते भाई उसके लिए। एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, अपना अपना चैनल गिफ्ट कर दो मुझे यार। तुमको ढूंढना है खुद पे खुद एंट्री कहाँ पर है। एंट्री ढूंढना पड़ेगा देते ना इलीगल भाई। राहुल के 10 पॉइंट माइनस, जो भी अंदर जाएगा 10 पॉइंट माइनस हो रहे उसके। अरे कर ले माइनस भाई सब चला, लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो गोबर जैसी जगह भाई छी। यार मेन चैलेंज हमारा पिरामिड बनाना था और उसकी एंट्री बनानी थी। गोबर जैसी जगह तो यार फ्लिक के कपड़े भी है, पर बताओ मुझे कहाँ पर एंट्री। लेकिन ये तो अंदर में कुछ है ही नहीं ना भाई, और एंट्री भी नहीं बनाया तूने यार, खुद नहीं बनाया भाई हमको बोल रहा है। और भाई एक मिनट देखो यार यहाँ पे एक है बेड। अरे बाप रे भाई ढूंढ लिया भाई, इतना सा ये कोई एंट्री था ये क्या ये। अरे पहुंच गया मैं अंदर। अरे पहुंच गया भाई जीरो पहली रेटिंग कर रहा हूँ मैं तो भाई, माइनस जीरो बहुत ज्यादा लगता है। फ्लिक दोनों राउंड हारा है इसलिए माइनस जीरो बोल रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, अब बारी है मेरे बिल्ड से तुम्हारे बिल्ड में जाने की। तो एक काम करते हैं फ्लिक गरीब के बिल्ड में चलते हैं। आ जाओ तुमको बाप लेवल का बिल्ड दिखाता हूँ। अरे यार छी, अरे इतना गंदा भाई, 5 साल का बच्चा इससे अच्छा बनाता है छी यार। अरे वो ट्री देख भाई, ये सोच मैं खेती प्रमोट कर रहा हूँ। पर डायमंड ट्री पर तूने ये क्या लगा, बटन के, अरे बटन कोल बटन, ये देख अभी कैसा गिरेगा वो, देखा काउंटडाउन हो रहा है। एनिमेशन देख यार हर जगह भाई, और कितना गिरने वाला है ये। इसका पेड़ भी उसके जैसा ये और गिर रहा है मुझे, मैं तो बटन दबा रहा हूँ सिर्फ, और लास्ट बटन है बटन दबाओ। और ये देखो भाई अभी खुलेगा है, देखा नया आ गया। अरे यार ये तो बहुत पहले देखा था मैंने यार, शिट ये तो मेरी कॉपी कर रहा है। बताओ भाई, अरे भाई बंद हो गया रुक जाओ, मैं ऐसे भी खोल सकता हूँ वैसे, ये देखो भाई खुल गया यार। लेकिन ये तो मेरे से भी गंदा, तूने भी तो कुछ नहीं बनाया अंदर, और मेरा तो एकदम चिकना चिकना था, तेरा तो पता नहीं ऊपर खापड़ है। अरे तो भाई ये भी अंदर से पूरा खोखला है यार, ये भी अंदर से खोखला निकला फ्लिक जैसे। तो राहुल तू कितनी रेटिंग देगा इसको भाई। इसको मैं दूंगा -6 यार, मैं तो -200 देने वाला था, लेकिन और पेड़ मुझे अच्छा लगा, 69 दूंगा इसको भाई। +101 लेकिन। और भाई देखो ये है मेरा बिल्ड। अरे यार इसका तो डायमंड का भी नहीं है छी यार, ये क्या गंदगी है, रुक जाओ अंदर जाता नहीं हूँ। एंट्रेंस तो देखो पहले यार, सस्ते बना दिया यार ये, सस्ते बना है इसको, ये तो बहुत ही गंदा, ये तो सबसे गंदा वाला है तो भाई। और ये क्या, यहाँ से अंदर जा सकते हैं यार, मैंने पता कर लिया, देख यार एक बार में। अरे वहाँ से कुछ नहीं है भाई। अरे तो ये क्यों है, तुमको दिखा दो भाई असली यहाँ पे, ये देखो एक बारी। अरे 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 ये क्या है, ये क्या हुआ, रुक जाओ इससे क्या हुआ, अंदर तेरा भी खा लिया भाई, कुछ नहीं है इधर यार, रुक जाओ। इसके हाथ में एक स्टार था, मैं भी एक काम करता हूँ स्टार पकड़ता हूँ इसमें बैठकर। ओ ये देखो ये भी खुल गया यार, क्यों पकड़ेगा भाई, स्टार तो मैं ही हूँ यार। इसके अंदर भी सब कुछ खोखला है, और ये क्या है, यहाँ पर भी कोई एंट्री बनाने की नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन कितना बेकार दिख रहा है भाई इसका भी बिल्ड। तो यार इसके बिल्ड को मैं थोड़ी बहुत रेटिंग दूंगा, एंट्री अच्छी थी। गोल्ड कलर का है भाई मेरा फ्लोर भाई, पीली तो टट्टी भी होती है यार, कितना गंदा कलर ले लिया तूने, भागो यहाँ से। यार तेरी एंट्री अच्छी थी, लेकिन पिरामिड बनाने का तरीका कैजुअल था, तो मैं इसको दूंगा सिर्फ 2 रेटिंग। मैं तो भाई इसको दूंगा भाई -4। फिर से हम लोग एंट्री में चलते हैं, और भाई यहाँ से नहीं खुलता यार ये। अरे तो ये कैसे एंट्री है, और -1 दूंगा मैं इसको। तो यार तुम लोग बेस रेट करके बताओ किसका तुमको बेस्ट लगा, और कमेंट सेक्शन में बताना किसका बेस तुमको सबसे बेस्ट लगा, और मेरे तीनों बेस में तुम्हारा फेवरेट बेस कौन सा था, और कमेंट में जाके ब्लू आर्ट भी स्पैम कर दो। तो आज माइनक्राफ्ट में मुझे मेरे दोस्तों ने फिर से चैलेंज दे दिया बिल्ड बैटल का, लेकिन आज एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर मैं हारा तो उनको रियल लाइफ में 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन टेंशन मत लो यार, आज मैंने बुला लिया एक प्रोफेशनल बिल्डर को जो मुझे इनके लिए काम करता है, और वो मेरे लिए काम करेगा और बनाएगा कुछ ऐसे बिल्ड, तो देखने के बाद वो लोग भी घबराएंगे और तुम लोग भी। लेकिन उससे पहले तुम लोग जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, क्योंकि लाइक है मैं इस वीडियो का 20,000 अगर तुम लोग चाहते हो कि ये बिल्डर को फिर से बुलाऊं मैं। और जल्दी से हमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करना है, तो तुम्हारे सामने बटन है क्लिक करो जल्दी। तो तुम लोग फिर से आगे बिल्ड बैटल चैलेंज में, ये हमारा पार्ट पता नहीं कौन सा है, लेकिन जो भी है इस बार फिर से
तुमको हराना है भाई। यार भाई इसको बिल्ड बैटल बोलते हैं यार भाई, नूब वर्सेस प्रो नहीं है ये। मैंने कब नूब वर्सेस प्रो कह दिया, लेकिन मेरा टाइम पास मत करो यार, ये बटन दबाओ और देखते क्या मिलता है हमें। टाइम पास छोड़ भाई, पहले तू मेरा टाइम पास मत कर, ये बता फायदा क्या ये करने का। यार मेरे पास टाइम नहीं रहता वैसे भी। यार मुझे क्या पता कौन सा फायदा होगा, लेकिन ये वाला हमारा चैलेंज बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अगर मैं हारूंगा तो तुझे और तुझे 10,000 रुपए देने वाला हूं। अगर मैं एक से भी हाराना तो दोनों को पैसे दूंगा, सोच लो। और वो रियल पैसे होने वाले हैं, कोई माइनक्राफ्ट मनी नहीं। अगले वीडियो की शुरुआत में दूंगा वो भी। यार अभी तो तू गया भाई काम से, तू तो गया भाई, पैसे आ गए बात तो मैं ही जीतने वाला हूँ। देख काम करते भाई, जल्दी से बटन को प्रेस करते हैं। और भाई अभी देखो यार क्या लिखा है। मैं देखूंगा यार गरीबो, रुक जाओ, यहाँ पर लिखा है ट्रेन। ओ भाई ट्रेन बनाना हमें। यार भाई ट्रेन कौन बिल्ड करता है, लेकिन मुझे क्या पता यार, मेयर का चैलेंज है, मैं क्या करूँ यार। लेकिन इसके लिए टाइम कितना मिला भाई पहले ये तो बता। यार अभी अभी मैंने देखा भाई, इसके अंदर तो सिर्फ 3 मिनट लिखा है। अरे बाप रे, निकलो भाई जल्दी तुम लोग, यार खतरनाक हो चुका है। यार मैं भी जा रहा हूँ बनाने के लिए यार, लेकिन ये तो बिल्ड मेरे लिए बच्चे समान है। तो यार तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने इन लोगों को 10,000 का चैलेंज दिया, वो भी रियल मनी, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। लेकिन बस एक ट्विस्ट है छोटा सा, मैंने मोजैंग के एक एम्प्लॉय को बुला लिया हूँ, और वो एम्प्लॉय आते होगा, पता नहीं कहाँ पर है, कहीं तो होगा यार, वैसे भी छुपा हुआ था वो। और वो मोजैंग का प्रोफेशनल बिल्डर है, जैसे वो आएगा तो तभी मचेगा। और एक सेकंड, वो ये रहा ये बंदा, भाई काम तो कर लेगा ना, 20,000 दाव में लगे मेरे। अरे भाई मैं बहुत प्रो हूँ, अरे मुझे पता है यार तू मोजैंग का एम्प्लॉय है, और मोजैंग का एम्प्लॉय हिंदी में बात कर रहा है, और उसका नाम बॉब द बिल्डर है। यार कमाल है बॉब, एक काम कर, अब जल्दी से मेरी स्किन पहन ले, मोजैंग वाले मेरे से ही बिल्डिंग सीखे है। ओ भाई कमाल है, तो मुझे पता है यार ये बात, तभी तो हायर किया हूँ। और तुमको पता है इसको मैंने एक्स्ट्रा पैसे देकर हायर किया हूँ, इसके बहुत काम होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो पहले मेरी स्किन पहन ले यार, स्किन चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है यार, तभी कुछ होगा। ओके ये देखो चेंज कर दिया इसने स्किन, और ये रहा मैं, और ये रहा भाई मेरा डुप्लीकेट, मतलब मेरा डुप्लीकेट नहीं है, मोजैंग एम्प्लॉय। अब सब कुछ परफेक्ट है, मैं काम करता हूँ पहले पोशन का यूज करके इनके बिल्ड वगैरह देखता हूँ, और इसकी मदद भी करना है मुझे, क्योंकि ये वाला एपिसोड सबसे ज्यादा खतरनाक बिल्ड का होने वाला है। ऐसे ऐसे बिल्ड बनाऊंगा ना मैं कि आगे जाकर तुम घबरा जाओगे, क्या बना दिया मैंने ये। तो एक काम कर, तो मेरी स्किन पहन के ये तो काम कर रहा है, तो मैं पहले पोशन ले लेता हूँ। और ये देखो मैं हो गया इनविजिबल, अब चलते हैं। मैं यार ट्रोल वोल कुछ नहीं करने वाला इस बार, बस जाऊंगा और देखूंगा क्या करते हैं लोग, और कुछ अच्छा बना रहे तो करेंगे। एक मिनट, अभी ये फ्लिक क्या कर रहा है, ये क्या हाथी का बच्चा है क्या, वो भी वुड का, पता नहीं ये कुछ भी कुछ करते रहता है। तो एक काम करते इधर आते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ते क्या होता देखते हैं। यार ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट जादू हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे टूट गया, इसको तो मैंने अभी लगाया था यार, कुछ तो गलत दिखा होगा शायद, मुझे जान दो वापस लगा देता हूँ। और एक मिनट अभी ये कहाँ से टूट रहा है, अरे यार इस बार तो मुझे पक्का पता चल गया ये डैश होगा, रुक जाओ जाके देखता हूँ। यार इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता यार, इतना गंदा काम यही करता है। और इधर जाके देखता हूँ, और एक मिनट ये तो इधर काम कर रहा है, भाई ये कैसे हो सकता है, तो भाई शायद राहुल हो सकता है मुझे लग रहा है ये। यार ये तो इधर में काम कर रहा है, अभी जाके राहुल को देखता हूँ, भाई शायद यही होगा फिर तो। और एक मिनट राहुल भी इधर अपना बना रहा है, अरे तू ये कर कौन रहा है यार, मुझे नहीं पता यार, एक बार वापस से ट्राई करता हूँ, वापस से कर रहा तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोड़ दूंगा मैं अभी। यार लगता है ये तो पागल हो चुका है, मैं चलता हूँ राहुल के बिल्ड में। और देखिए यार मेरा प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ, मेरे ऊपर शक नहीं आएगा। और ये क्या है भाई, छिपकली का बच्चा बना रहा है, इनको जानवर बनाने थोड़ी ना कहा था मैंने, ये सब क्या चालू है यार। राहुल के बिल्ड में कुछ करना चाहिए यार, सोच रहा हूँ ना करूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो एक काम करते यहाँ से कुछ ऐसा बना देते हैं, और एक काम करते यहाँ पर एक मेयर का साइन बना देता हूँ मैं। यार भाई आज तो एकदम बेस्ट वाला बिल्ड होगा मेरा। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे मेयर का साइन कहाँ से आया भाई, ये वाला काम ना पक्का फ्लिक का है, और यार ये वाला काम ना भाई डैश भी कर सकता है, जो काम कर दो देख क्या तो उसको। और भाई एक मिनट, अरे यार यहाँ पे भाई मेरा बेस किसने उड़ दिया, एक काम कर दो देख देख क्या तो एक बारी। यार लेकिन एक मिनट भाई, डैश तो यहाँ पे काम कर रहा है अपना, और यार देखो अभी फ्लिक क्या कर रहा है भाई, देख तो यार भाई कुछ तो गंदा सा बिल्ड कर रहा है यार। एक काम कर दो चलता हूँ अभी, और भाई अपना काम पूरा कम्प्लीट करता हूँ। तो यार ये देखो यहाँ पर आधा काम कर चुका है ये, और इन दोनों को क्या पागल बना दिया मैंने यार। प्लान हो तो ऐसा हो यार, उनको लग रहा है मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और किसी के ऊपर शक भी नहीं आएगा टीएनटी फूटने के बाद भी। यार इस बार तो बच गया, नहीं तो मेरे ऊपर शक आता। और ये भाई क्या बना रही है, ओके ट्रेन केसिंग, भाई इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था यार, मोजैंग के एम्प्लॉय काम तो खतरनाक करता है तू। और ये देखो हमारा ट्रेन पूरा बन रहा है, और तुम लोगों को लग रहा हो हर बार सब बंदे बनाते नॉर्मल ट्रेन, इस बार हम लोग वर्किंग ट्रेन बनाएंगे, वो भी 3 मिनट में, जिसको भी नहीं पता ना घबराने वाला है वो। और वैसे फ्लिको रावला जिसको नहीं पता है, तो एक काम करते ये तो अपना काम कर ही रहा है, तो इसको करने देते अपना काम, थोड़ी देर बाद देखते क्या बनाता है ये। यार तुम दोनों भी आ जाओ, टाइम खत्म हो चुका है भाई, मैं तो वेट कर रहा हूं यार। अरे भाई दोनों ने एक साथ कहा है, मतलब दोनों का बिल्ड बन चुका है। अब बॉब द बिल्डर भी हमारा हो चुका है गायब, अब सिर्फ मैं बचा हूं और मेरा बिल्ड बचा है। और तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्या है भाई, ये फालतू चीज बना दिया मैंने, वैसे सोचो इतनी खतरनाक चीज है, मुझे शेडर हटाना पड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है ट्रेन, भाई ट्रेन के साथ स्टेशन भी बना दिया हमारे बिल्डर ने, मैंने कहा ना मोजैंग का बाप है वो। तो हम लोग चलते पहले इधर, तो आ जाओ यार किसका बिल्ड पहले देखते हैं। यार किसी का भी देख लो, मैं तो बोलता हूँ मेरा देख लो सबसे पहले, चलो फ्लिक का बिल्ड देखते हैं। गंदा बिल्ड देखते पहले, हाँ पहले गंदा। ये क्या है, विलेजर का घर है यार, तेरा बेस तो दिखा। अरे भाई तो हाँ, अरे भाई तो इसका देखो एक चक्कर चल रहा है, ये क्या है 1890 का है भाई ये। यार पलथी मार के बैठते हैं अंदर में। भाई तू क्या दावत खाने आया किसी घर पे, ये क्या है, यहाँ पर तो आके सोना चाहिए मुझे, फालतू चीज बना के रखा है। और ये पक्का विलेजर का घर है भाई, जिसने फेंक दिया अपने घर को भाई। लेकिन चक्की लगे हुए अफ्रीका में चलती है भाई, थोड़ा गरीब वाला है ये भाई। अफ्रीका को गरीब कह रहा है तू, भाई कैसा रेसिस्ट आदमी है यार, ये तो बहुत ही गंदी ट्रेन है भाई यार। लेकिन भाई इसका चक्का गोल गोल की घूम रहा है। अरे ट्रेन का चक्का तो गोली घूमेगा ना भाई, स्क्वायर में थोड़ी ना घूमेगा, क्या बोल रहा है पागल हो गया लगता है राहुल। यार पागल तो मैं भी हो चुका हूँ, इस बिल्ड को मैं बेच दूंगा दो। ट्रेन देख के यार, यार इतना अच्छा बिल्ड है, बताओ पागल कर दिया भाई मैंने, मतलब मैं तो जीत चुका हूँ भाई, तुम्हारा तोड़ दो जाके भाई, देखूंगा भी नहीं मैं तो भाई। दो मतलब नेगेटिव दो, एक नंबर यार मैंने दिया -2 और राहुल
राहुल ने दिया एक, तो तेरा टोटल होता है 1 पॉइंट। यार एक पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है वैसे भी। बहुत ज्यादा होता है, अबे किसी ने अगर सिंगल पॉइंट दिया तो ज्यादा कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब चलते किसके बेस में, राहुल के बेस में चलते हैं। और अभी मैं तुमको दिखाता हूँ भाई 1990 की ट्रेन। 1990 की ट्रेन भाई, ये तो मुझे मॉडर्न दिख रहा है यार, लेकिन एक मिनट, ये तो मुझे पता नहीं क्यों चिपकाया हुआ दिख रहा है, पर कोई बात नहीं। अरे भाई देखो यहाँ पे इसकी पटरी भी है भाई। पटरी किधर पटरी है ये, कहाँ पटरी है भाई तुम्हारे पास तो यार चक्के भी नहीं है तेरे पास तो, ये कोई ट्रेन हुई इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं तो -10 दे रहा हूँ भाई अभी से ही। -10 मुझे तो ठीक लगा है, तो मैं दूंगा तुझे 5 पॉइंट। यार ये क्या हुआ इन दोनों के साथ में, दोनों को किसी को -1 है, किसी को -5 है, ये सब क्या हो रहा है। अब आ जाओ तुम लोग मेरे बेस में, अब देखो तुम लोग खराब हो गए। मेरी तो ये बेस देख के क्या थी भाई, इसको अंदर से तो देखा ही नहीं भाई, अंदर से तो एकदम बेस्ट था ये भाई, अंदर में कुछ नहीं था। नंबर बढ़ गया यार मेरा तो। यार चल तेरा ही बेस देख लेता हूँ, आ जाओ जल्दी से, ये देखो सबसे महान बेस। अरे भाई ये क्या है, अरे तू जा कर रहा है फ्लिक तू भाई, देखो कितना उतावला हो चुका है। पहले तुम लोग स्टेशन देख लो भाई, यहाँ पर खाने का सामान मिलता है, देखो समोसे भी इधर और सब कुछ है, बर्गर मिलता है। ये है भाई मुंबई लोकल, और तुम लोगों को मैं हैरी पॉटर का ट्रेन दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग पूरे ट्रेन की पटरियां वगैरह सब देख लो भाई, है ना पूरा जेन्युइन। नहीं नहीं भाई यहाँ पे जंग लगा हुआ है, देख थोड़ा बाजू में ब्राउन ब्राउन कलर है यहाँ पे भाई। तुझे पता नहीं है जंग क्यों लगा है, ये है हैरी पॉटर के भतीजे का ट्रेन, इधर आ जाओ पहले। यार ये ट्रेन दिख रहा है धुआं निकलते हुए इससे, यार तू तो पोल्यूशन भी करा रहा है भाई, धुआं फेंकती है, मेरी तो इलेक्ट्रिक वाली थी यार, ये तो माइनस हो गए भाई तेरे पॉइंट। जा भाई इसके बॉक्सेस भी नहीं यार, और अरे यार पहले तुम लोग अंदर जाओ, ये देखो जा फ्लिक तेरे बंदर। हटो यार यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बंदा चला सकता है इसको। अरे तुम लोग अंदर आओ पहले, रुक जाओ दरवाजा बंद करने दो मुझे। और ये देखो ट्रेन हमारी चल चुकी है थोड़ी देर में, पहले बैठता हूँ मैं। और ये देखो भाई तुम इंजॉय करो ट्रेन को, तबाही होने वाली है। अरे भाई दोनों गिर रहे हो, रुक जाओ दोनों को, रुक जाओ पहले। यार तुम दोनों के लिए सीट ही नहीं बनाया मैंने, रुक जाओ यार बच्चे लोग। तो यार तुम दोनों के लिए भी सीट बना दिया, तो बैठो यार, किस बात की देरी है यार। भाई सीट तो बहुत ही गंदा है। गंदा है भाई सीट, गंदा कह रहा है ये, बताओ भाई। सोचो खुद का ट्रेन ऐसा था तुम लोगों का, और ये देखो हम तीनों बैठ चुके हैं, और मैंने टोपी पहना ओके ये, और ये देखो और हम लोग पहुंच गए ट्रेन स्टेशन पर, और अभी तो जर्नी और भी बढ़िया है यार। भाई रोकना वोकना कुछ नहीं है, ये नहीं समझ रहा भाई, ट्रेन बनाना था तूने तो स्टेशन ज्यादा बड़ा बना दिया। अरे तो वर्किंग ट्रेन भी तो बनाया हो चक्कों के साथ, इसको बोलते हैं ना भाई कलाकारी। तुम लोग बच्चे हो यार, और ट्रेन में बैठे बैठे मुझे बताओ कितना पॉइंट देना चाहोगे, नहीं तो ट्रेन को क्रैश कर दूंगा भाई। ट्रेन को मैं दूंगा भाई 4 नंबर, और स्टेशन को यार मैं चल भाई 5.5 दे देता हूँ। ओके भाई आखिरकार जीत गया मैं, सोचो इतने गंदे पॉइंट के बाद भी यार, जबकि तुमको ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी। अरे कौन भाग रहा है, अरे ये कौन था भाई, तुम्हारा समय आ चुका है तो उतर जाओ यहीं पर। यार भाई उतना मजा तो नहीं आया मुझे, थोड़ी लंबी ट्रेन होती तो मजा आता, लेकिन यार तेरा स्टेशन ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो चलो यार मुझे मिल चुके पूरे 9 पॉइंट, और मैं जीत चुका बहुत बड़े मार्जिन से। तो यार आ जाओ सेकंड बिल्ड के लिए, और यहाँ पर जल्दी आओ, और देखते सेकंड बिल्ड क्या होने वाला है। बटन दबाओ कोई भी, आ जा यार मैं दबा के देखता हूँ। अरे क्या निकला भाई इसके अंदर से, तू ही पढ़ ले भाई। मैं नहीं पढ़ने वाला यार, मुझे हमेशा फालतू बिल्ड मिलता है यार। हमको तो हेवन बनाना है इस बार, और जन्नत बनाना है भाई। हेवन जन्नत और स्वर्ग एक ही तो बात होती है, फ्लिक पागल हो चुका है लगता है, इतना गंदा हारा है ना इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं तो जा रहा हूँ अपना हेवन बनाने के लिए, तुम लोग बनाओ भाई स्वर्ग अपना, मतलब एक ही बात यार। लेकिन भाई टाइम कितना मिला है भाई, मुझे क्या पता, फ्लिक को पता होगा यार। टाइम 6.5 मिनट मिला है भाई, 69 सेकंड। ओके भाई क्या बात है। अरे बॉब द बिल्डर किधर है भाई, जल्दी आ जा। कहा गया यार ये गायब तो नहीं हो गया, पगार तो अच्छी दिया था उसको मैंने। अरे आ गया, क्या बात है यार। अभी हमें बनाना है हेवन, ठीक है। ये जो हेवन है ना सबसे ज्यादा खतरनाक होना चाहिए, और बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पहला राउंड मैं जीता था। मैं चाहता हूँ तीनों राउंड जीतूं, मैं एक भी राउंड नहीं हारना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे पैसे हार जाऊंगा मैं, ठीक है भाई। अरे ठीक है तो कहाँ पे लग जाए यार, और चौकाना रहना ठीक है, पूरा मस्त सा बना दूंगा भाई, मुझे चाहिए यार मस्ती चाहिए। ओके इसने अपनी हथियार वगैरह ला लिया, ये देखो। अरे ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या है भाई, मैंने कहा था। अरे बाप रे ये क्या बना रहा है, मैंने कहा था तुम लोग को खतरनाक बिल्डर है ये यार। यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत काम तो हो गया हेवन का, लेकिन एक काम करता हूँ, देख के आता हूँ यार डैश क्या कर रहा है, क्योंकि यार पिछले बार इतना बड़ा बिल्ड इसने बनाया यार, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। 3 मिनट में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन कैसे कोई बना सकता है यार। यहाँ पे काम करता हूँ, तोड़ के देखता हूँ। और ये देखो यार वापस से कुछ तो खतरनाक काम किया, और भाई यहाँ पे था ना ये तो, और यहाँ पे पता नहीं कैसे डैश यहाँ पे काम कर रहा। और 1 मिनट ये क्या है, 2-2 डैश भाई, ये कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाई, कुछ तो अजीब सा दिखा मुझे यार। फिर देख कर गया यहाँ पर यार, ये कुछ तो गड़बड़ थी भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट यार ये बंदा छुप गया ना, ओके भाई अपना बॉब द बिल्डर छुप चुका है, लेकिन राहुल और फ्लिक है कहाँ पर। 1 मिनट परछाई किसकी है अभी, 1 मिनट ये फ्लिक और राहुल का नेम टैग है। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे बिल्ड को, तुम लोग नहीं देख सकते हो, चीटिंग होती है, 100 रुपए फाइन लाओ भाई। ये गरीब इंसान चीटिंग की बात कर रहा है, और 2-2 डैश कहाँ से आ गए यार। फिर मैंने कहा था दोबारा मत पिया कर, ये क्या यार तुझे 2-2 डैश दिख रहे हैं यार। पीने के बाद तो ज्यादा अच्छे से काम करता हूँ यार मैं, मेरी आंखें ज्यादा अच्छी काम करती है, और ये तो 2-2 थे इस बार, राहुल ने भी देखा यार। राहुल ने नहीं देखा, राहुल तुम देखा है क्या भाई, मेरी आंखें नहीं यार। अरे देखा फ्लिक तू झूठा निकला, उसकी आंखें नहीं है, आंखें नहीं है तो ये पागल इंसान देख के बनाता कैसे इतना बड़ा बिल्ड। भोकना हो भाई मैं यार, ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, लगता है मैं ही पागल हो गया भाई। मैं जा रहा हूँ वापस से बिल्ड बनाने के लिए, तुम लोग जाके करो अपना काम। क्या यार भाई फ्लिक ने बहुत गंदा टाइम पास किया अभी। ओ भाई बच गया मैं यार, ये फ्लिक तो पागल बना दिया था मुझे, उसने देख लिया था। तो एक काम करता अब तो वो आने नहीं वाला, उस पर नजर मैं रखूंगा। और यार बॉब द बिल्डर कहां पर है भाई, काम चालू कर दे, बस 2 मिनट बचा है। ओके फिर
कुछ पीने की आवाज आई है और ये पक्का इधर ही होगा। ओके ये रहा बॉब द बिल्डर, काम चालू करते, इस बार ऐसा हेवन बनाना फ्लिक डर जाए पूरा। तो यार बॉब द बिल्डर बता रहा है टाइम की कमी कारण ये ऑटोमेटिक बिल्ड मशीन लेकर आया, ये देखो ये तोप से ऑटोमेटिक बिल्ड होगा सब कुछ। अरे भाई चालू भी कर दे यार, 5 मिनट से सोया हुआ यार, ये बंदा क्या बना रहा है, 1 मिनट ये क्या बना दिया इसने यार, अभी अभी मेरी आंख खुली और ये क्या है खतरनाक सा यार, 1 मिनट देखना पड़ेगा ये क्या बना दिया यार, इसमें तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है यार, तूने क्या बना दिया यार मोजेंग से भी खतरनाक चीज बना दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा हेवन है, यहाँ पर कौन रहता होगा, लगता है मुझे अपने नाम पे करना पड़ेगा ये हेवन को। और भाई कितना ज्यादा सुंदर हेवन है भाई, इतना खतरनाक तो कहीं पर नहीं देखा मैंने, और ये क्या है, भागना पड़ेगा, खतरनाक चीज दिख रही है मुझे यार, अभी टाइम भी अब हो चुका है भाई, दोनों किधर हो तुम लोग, आ जाओ टाइम खत्म। तो यार तीनों का बिल्ड बन चुका है, पहले किसके बिल्ड में जाएंगे यार, तो एक काम करो भाई मैं तुमको अपना बिल्ड दिखाता हूँ, आ जाओ यार इसके बिल्ड में। और ये क्या है, ये हेवन है, ये तो भाई घर के बाजू में मंदिर दिख रहा है, और ये क्या है रोबोट, भाई तुम रोबोट की पूजा करते हो, तू तो एथिस्ट निकला, क्या नाम है ये सब भाई, कचरा है तो मुझे क्या दिख रहा है ये सब, छी भाई पता नहीं क्या नाम है, छी भाई, और ये कौन सा भाई, ये कोई भगवान हुआ, ऐसा कैसा नाम हो सकता है किसी का भाई, ये मुझे रोबोट की पूजा करते हुए दिख रहे हैं, और ये पक्का एथिस्ट होगा राहुल, गड़बड़ दिख रहा है कुछ। और एक बात बताओ, ये थोड़ा ठीक लगा था मुझे, लेकिन जैसे मैंने रोबोट को देखा मैं घबरा गया, और ये क्या, ये बादल है भाई, आसमान में तो होना चाहिए तेरा हेवन, ये देख राहुल तेरे भगवान के हाथ को ऊपर नीचे कर दिया मैंने एक ही क्लिक में, यार कोई बात नहीं पूरा घूम लेता हूँ मैं, और इधर कोई तो चीज देखा था मैंने, एक सेकंड इस तरफ देखा था, इस तरफ नहीं है, ये क्या है, और अभी सीक्रेट एंट्रेंस इधर पूरा कचरा, अरे भाई इसमें भी सीक्रेट, ये क्या है भाई, ये क्या, अरे और भाई क्या फालतू की बातें कर रहे हो भाई, एक काम करो अभी ना तुम पहले इसको रेट करो, रेट को रेट मैं दूंगा यार, ठीक ठीक बनाया तूने, लेकिन पता नहीं रोबोट की पूजा कर रहा है तू, तो मैं दूंगा तुझे 10 में से 3 नंबर यार, मैं तो -69 देना चाहता हूँ लेकिन -6 दूंगा अभी, अरे तो तेरा टोटल होता है -3। अब आते फ्लिक के बिल्ड में, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाई तुमको बाप वाला बिल्ड दिखाता हूँ मैं, ये देखो सबसे गंदा बिल्ड है भाई, ये एक सेकंड कुछ तो बनाया है इसने, और ये क्या है, एक मिनट ऊपर चलते पहले, ये क्या है फ्लिक, स्वर्ग की सीढ़ी बनाया तूने, और क्या भाई स्वर्ग की सीढ़ी है ये, तुम लोग को स्वर्ग देखना जाके, असली वाला देखो मैं नहीं बनाने वाला अभी, अरे रुक जाओ देखते यार, हमको तो हेवन बनाना था, ये पागल ने अभी तक सीढ़ी बनाया भाई, लगता है फ्लिक जीत जाएगा ये वाला लेवल, और कितना टॉप में यार, अरे भाई जाए जा रहा हूँ भाई, बहुत लंबा है ये, तुमको नहीं पता बहुत ऊपर स्वर्ग बनाया मैंने, यार लगता है टॉप में पहुंचते मौत होने वाली मेरी, ये क्या हुआ, किधर स्वर्ग, किधर है भाई, हेवन किधर है, अरे तुम लोग नर्क में जाने वाले हो इसलिए तुमको नहीं दिख रहा भाई, तो तू स्वर्ग में जाने वाले दिखा, स्वर्ग किधर है यार, तुम लोग अगर स्वर्ग में आने वाले लायक होते तो तुम लोग को दिख जाता वैसे, लेकिन अब तुमको अगर स्वर्ग में जाना है तो यहाँ से कूद जाओ और मर जाओ, सीधा स्वर्ग में जाओगे भाई, ऐसे भयानक गंदे बिल्ड को जिसमें एफर्ट लगाया तूने लेकिन स्वर्ग ही नहीं बनाया जो बनाना था, तो मैं देना चाहूंगा इसको सिर्फ -45 यार, लेकिन भाई इसका बिल देख के मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं उसको दूंगा -40 भाई, तेरा रैंकिंग भाई? तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब तुम लोग आ जाओ मेरे बिल्ड में और जल्दी से अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ा लो सब लोग, यार तुम दोनों ने -- दिया ना तो उसको प्लस बोलते हैं भाई, मतलब मैं जीत चुका हूँ अभी, आ जाओ, तू जीता है अभी, मेरा बिल देख ले पहले, पागल हो गया क्या तू, इसको बोलते हैं स्वर्ग भाई, इधर इंद्रदेव रहते हैं भाई, 4 मिनट में इतना कैसे बिल्ड किया यार, 4.5 मिनट वापस से भाई, 2-2 डैश आए थे पक्का यहाँ पे भाई, और ये क्या कचरा, मुझे तो उतना भी अच्छा नहीं लगा भाई, इतना बड़ा नहीं बनाना था यार, अगर बेकार बिल्ड बनाओ तो गलत, अच्छा बिल्ड बनाओ तो गलत, ये फ्लिक की हरकत है भाई, बाज नहीं आएगी यार, फ्लिक को भर भर के गालियां दो कमेंट में यार, ये देखो मेरे हेवन में खुद का मून भी है, ये है मून यार भाई, कहां से देखो दिख रहा है मून भाई, मून नहीं पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बोल दिया बस यार, लेकिन मैं तेरे मार्क्स काटने वाला हूं भाई, यहां पे जाले लगे भाई, इतनी गंदी जगह कैसे हो सकती है ये, बताओ भाई इस गरीब को लग रहा है वो जाले है, इनके हाथ में लोटा भी तो भीख ही मांगेंगे भाई, इससे अच्छा हेवन दुनिया में हो नहीं सकता है यार, वो तो चीटिंग का है, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब तुम लोग कितना रेट देना चाहोगे इसको यार, तूने पक्का वापस से चीटिंग करी होगी मुझे लगता, इसलिए यार मैं तुझे इस बार दूंगा 2.69, और तू कितना देगा भाई, मैं दूंगा भाई 4.5, और शायद भाई फ्लिक इस बार सही और बोल रहा था भाई, यहाँ पे शायद 2-2 डैश थे, ये फ्लिक के हिस्से का दारू भी पी लिया तूने शायद से, और ये नंबर क्या दिया 2.69 4.5, इसको ऐड करने के बाद जो भी है जीता तो मैं हूँ, तो यार अब करो भाई कोई क्लिक इसमें, और देखते थर्ड बिल्ड क्या आने वाला है, वो लास्ट बिल्ड है, देखो भाई मैं खोल के देखता हूँ भाई, इसमें लिखा है जानवर, जानवर, अरे चलो यार मैं तो जा रहा हूँ भाई डैश को बनाने के लिए, चलो यार ये मुझे बना रहा है, इसको पता भी नहीं है किससे पाला पड़ा है इसका, तो यार ये कचरे को हटाना पड़ेगा मुझे, तो बॉब द बिल्डर आ जा जल्दी यार, इस बार बहुत चालाकी से काम करना पड़ेगा हमें, ये देखो ये आ चुका है भाई, तो हमारी बात सुनते रहता है क्या, अरे भाई ये तो हाँ कह रहा है, अब एक काम करना ठीक है, सबसे बड़ा बिल्ड बनाना अभी तक का, ये हेवन कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके सामने, तो हम लोग जानवर में फ्लिक बनाने वाले थे, लेकिन अगर फ्लिक को बनाऊंगा तो छोटा सा बनेगा, तो हमें शेर बनाना पड़ेगा ठीक है, तो पहले कचरा को हटाते हैं और शेर का काम चालू करते हैं, ये बॉब द बिल्डर कह रहा है, बॉब द बिल्डर मैं करके दिखाऊंगा, अरे भाई करके दिखा यार, अरे ओ भाई ये देखो शेर के पैर बना रहा है ये, और पता नहीं कैसे पैर बनाएगा, और ये कौन सा शेर है, ये पैर नहीं कुछ बेकार चीज लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं मुझे पता है बना के रहेगा यार, इसका बिल्डिंग सेंस बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं कैसे कैसे बनाकर ग्रेविटी का यूज कर क्या बना देता मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी है बढ़िया लग रहा है, अभी देखते क्या बनाता आगे जाकर, और भाई इसने ये क्या बना दिया, बनाते बनाते शेर के पर, ओके ये पैर बना रहा था इस टाइप से, मैंने कहा ना तुम लोगों को, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई शेर के वो जो बाल होते ना आगे के भाई हेड के बाल होते वो है ये, और ये रहा हमारा शेर,
और भाई क्या ये दांत क्या है इसके इतने बड़े? भाई शेर है या सेवर तू तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक बना के रखा है। तुझे तुम लोगों को दूर से दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा शेर जो 100 किलोमीटर दूर से भी दिखेगा, माइनक्राफ्ट के 100 किलोमीटर वैसे तो। और इसके अंदर कोई तो दिख रहा है? ओके, अरे भाई काम हो चुका है तो छुप जा जल्दी से, वो लोग आते होंगे। ठीक है ओके, मैं निकलता हूँ और चल। अरे जल्दी आओ यार, टाइम अप हो चुका है, जल्दी आओ यार। लेकिन वॉल्स को क्या हो गया? भाई वॉल्स को मैंने बढ़ाया यार, तुम लोग चीटिंग करोगे इसलिए। अब किसके बिल्ड में जाएंगे सबसे पहले? आज तुम लोग मेरे बिल्ड में, क्योंकि तुम्हारे बिल्ड में पहले पहले जा चुके हैं। आ जाओ जल्दी। चल भाई चल। अरे भाई ये क्या है, क्या आइटम है ये? आइटम तो हवे में, हवे में शेर है, उड़ता हुआ शेर है ये। भाई ये देखो शेर यार, शेर शेर क्या चिल्ला रहा है? तो ये देख इसके दांत, देख यार कितने बड़े बड़े दांत है इसके। और भाई इसका मुंह तो देखो भाई, ये क्या अंदर इसके मुंह अजीब जीव है भाई ये। अंदर देखो क्या क्या बना के रखा हो। कहां घुस रहे हो भाई, मुंह से खा जाएगा तुम लोगों को। अरे यार अंदर कहां जा रहे हो तुम लोग, पूरा भरा हुआ है मेरा शेर, भूखा नहीं अभी यार। हम तो इसके पेट के अंदर पहुंच गए थे। शेर अभी भूखा नहीं है, सो रहा है शेर। यार मुझे लेकिन उतना खास तो नहीं लगा यार ये। भाई खास नहीं लगा? भाई गधे की बिल्ड करने वाला फ्लिक, उसको खास नहीं लगा शेर? बताओ यार तुम लोगों को ये शेर मजाक लग रहा है क्या? पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। एक बात बताओ, ये शेर को रेट कितना करना चाहोगे? यार ये शेर तो वैसे ही मैं आग बंद करके बना सकता हूँ यार, फिर भी इसको 2 मार्क्स दे देता हूँ। चल इस बार भाई 2 पागल है क्या तू? यार भाई मैं इसको दूंगा 8 भाई। 8 भाई? 8 भाई नहीं, शेर है यार ये। भाई इसको 8 भाई देने वाला है राहुल, यार ये क्या बात है? 8 भाई नहीं, 8 बच्चे दे दो इसको। दूंगा भाई, बैन दूंगा। अरे बाप रे। तो चलो यार चलते हैं फ्लिक के बिल्ड में। आ जाओ भाई, तुम लोग को लेवल का भाई 2024 का बेस्ट बिल्ड दिखाता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है भाई? भाई ये तो मेरा पेट है यार। ये क्या है? ये तो बाबा सीर है भाई, इसको पक्का कोई बीमारी हुई है। अरे भाई ये वेट लॉस करने गया था यार, कुछ दिन से जिम जा रहा था इसलिए पतला दिख रहा है तुमको। ये पांडा को तो भाई शेर एक हाथ से खा जाएगा। एक दांत जितना तो तूने पांडा बनाया, वो देखो वो रहा शेर और ये रहा ढेर, पता नहीं क्या ही है। और भाई यार ये तो पांडा नहीं, गंडा यार ये तो। गंदा यार, इसके पतला होने के पीछे एक दो रीजन और है यार, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। वैसे ये बहुत ज्यादा हाथ हिलाता था अपना। भाई इसकी बीच वाली टांग कहां से आ गई? अरे यार पूछ के बल बैठा है भाई, क्या ये गंदगी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग आ जाओ राहुल के बिल्ड में। भाई ये क्या बना के रखे हो भाई? और अभी मैं तुमको दिखाता हूँ भाई अपना अच्छा जानवर। और ये भाई हाथी, ये हाथी भाई, इसको वॉर हाथी बोलते यार। वॉर हाथी? वॉर हाथी यार, इसकी आंखों में मशीन लगी लगता है भाई। ये तो भाई रोबोट है भाई, अभी तो रोबोट का मंदिर बनाया था और अभी रोबोट का हाथी। ये पागल हो चुका है, ये क्या बना रहा है यार? पता नहीं क्या हो गया राहुल को यार, मुझे लगता है इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दिग्गज नाम है भाई इसका। दिग्गज नहीं भाई, डागज नाम है इसका। ये क्या ये कचरा है? ये तो भाई सच में कुछ भी बना के रखा है यार। लेकिन तेरी क्रिएटिविटी मुझे अच्छी लगी, अगर तूने अपने हाथों से बनाया तो। वैसे बनाया होगा डॉक्टर वसीकरण के बाप ने बनाया इसको लग रहा है। भाई वसीकरण के बाप ने? भाई वसीकरण जब दारू पी गया था तब ऐसा बनता है यार। इतना गंदा बिल्ड तो मैंने आज तक नहीं देखा यार, इसको मैं दे रहा हूँ -86। अरे भाई इसकी सूंड तो देख लो। सूंड देख के क्या करेंगे भाई, तूने हिस्ट्री बना दी अभी, तू सबसे ज्यादा माइनस में जा चुका है भाई आज तक। तो यार इनकी फालतू बातें चलती रहेगी और तीनों बिल्ड मैं जीत चुका हूँ, लेकिन तुम लोग कमेंट करके एक एक बिल्ड के बारे में बताओ। तो यार इनकी फालतू बातें चलती रहेगी, लेकिन तुम लोग कमेंट करके बताओ कौन जीता है, क्योंकि हम तीनों की रेटिंग के हिसाब से तो मैं जीता हूँ, लेकिन फिर भी यार ऑडियंस का मैटर करता है पॉइंट। तो तुम लोग बताओ कौन जीता। और फ्लिक के पांडा को तो मैं पॉइंट भी देना चाहता हूँ, इतना गंदा छी। अगर तुमको लगता है मैं जीता हूँ तो ऑरेंज हार्ट स्पैम करो, अगर तुमको लगता है राहुल जीता तो ब्लू करो, और अगर तुमको लगता है फ्लिक हारा है तो व्हाइट हार्ट स्पैम करो।